नमस्कार आपन देखछन अर्गस अपडेट आपन स मो बिस्पी प्रथम हेडलाइंस पुणी चासी को रोसर शिकार हेले मंत्री प्रताप जेना सुंदरगढ़ टांगरपाली रे मंत्री को घेरिले चासी धान बिक्री एवं टोकन बंटन रे अनियमितता को नै विरोध प्रदर्शन पश्चिम दक्षिण ओडिशा रे हाई कोर्ट बेंच स्थापन लागि ओडिशा सरकार को अनुरोध लोकसभा रे बलांगीर सांसद को प्रश्न रा उत्तर रखले केंद्र आयन मंत्री कहिले ए जाय केंद्र को दे नहांती प्रस्ताव राजधानी रे विभक्त हत्याकांड दुर्बृत्तों आक्रमण रे स्वामी मृत स्त्री गुरुतर पारिवारिक कलह को केन्द्र करी मर्डर अभियुक्त गिरफ घटनास्थल को दिवस साइंटिफिक डे भुवनेश्वर में मुंड विहीन महिलाओं का मृतदेह उद्धार घटना पुलिस को मिलला कटामुंड महिलाओं का परिचय मृतक राजधानी आखपाख जिलार होता सूचना एवं सुप्रीम कोर्ट गला कोटिया प्रसंग आंध्र करुवा निर्वाचन को नहीं कोर्ट का द्वारस्थ हेले ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश सरकार विरोध में अदालत अवमानना मामला रुजु पुणी चाषी असंतोषर शिकार हेले मंत्री प्रताप जेना सुंदरगढ़ में मंत्री प्रताप जेना को घेरिले शताधिक चाषी टांगरपाली ब्लॉक रे मंत्री को चाषी घेराव करबा सह विरोध प्रदर्शन करथले धान बिक्री एवं टोकन बंटन रे अनियमितता को केन्द्र करी चाषी को मध्य असंतोष देखा दैछे जहाँ को नहीं कौन एक कार्यक्रम को आसीथिबा बेले प्रताप जेना को चाषी माने घेरिथिले तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित सुंदरगढ़ रु जोड़ी प्रतिनिधि सागर पटनायक सागर मंत्री प्रताप जेना पुणी थे चाषी जो असंतोषर शिकार होती आ पूर्व आम एभली घटना देखीछु तबे पुणी थे से समान स्थिति तबे सेठाकर स्थिति वर्तमान कौन कहे देखु बर्तमान स्थानीय सर्किट हाउस रे मंत्री प्रताप जेना रही चाषी मैंने जहाँ रही सर्किट हाउस सम्मुखें ही धारणा प्रदर्शन कर सरकारी अधिकारी मैंने सफल हो पारिनी आम सांगे अच्छा किसी चाषी अच्छा प्रथम पचार बुझा कौन रही समस्या को सब समस्या को नहीं आज आमे लैंप रु लोन करछु लोन कला आमे लैंप रु मंजी लोन करलु तापे सारो लोन करलु पैसा लोन करलु चाष कला आज्ञा बहुत कष्ट है चाष कला परे भी एबे जाय आम धान बिक्री पारलानी गोला वर्ष धान एबे जाय पड़ी आज्ञा आम छुआ मान फीस आमे केमती स्कूल मंत्री सहित आपन देखा करथिले मंत्री कौन कहते मंत्री आज्ञा आश्वासना दौंस किसी ना रिजल्ट किसी ना रिजल्ट किसी दौना मानते पक्का किसी जवाब दौना कहते हाँ देखा कलेक्टर सा कथबार्ता करमती आजा कथबार्ता कर गला बर्ष तो ये जाए पड़ी आपड़ावाल देखुची मु गत दु दिन है गला दु दिन पर आगर जाइली लैंप को लैंप रे एमडी कहले दस हजार क्विंटाल टोकन इश्यू कर दस हजार क्विंटाल कितु हजार क्विंटाल टारगेट अच्छे तो नौ हजार क्विंटाल किए नब देखो दस हजार क्विंटाल टारगेट रही कथा कि मात्र हजार हजार टारगेट रही जड़े महिला चाषी आम सागर अच्छा पचार कौन रही समस्या मोटा तो जनवरी 15 तारीख दिया ही थिला तो कोन किंतु से माने 28 तारीख मते टारगेट दे छी तो से 28 तारीख रे की थिला मोजे बोल जे थिला हमर मासे तो ताले हम 7 तारीख हम के अमली पहले हम 7 तारीख नलो मिले से 7 तारीख से मिल वाला हो एसएम जी भी देखिन जी बोली ना कहला से आ आसला नहीं मिल वाला तो हम दिन गोटे रुकलु संवाद आठ तारीख से राति भी जुगलु आर दिन मंगलवार दिन भी दिन बार जुगलु तेनु से आम एम डी को फोन कला बोले एम डी से पठोसा बोल कहे डांस चला गला से राति आम एक बजे आमके चला से आम धान सर
नेते राज्य एक प्रकार चाषी समस्या एक प्रकार बड़ प्रसंग उत्कट होता बेले क्योंटना के धान बिक्री और टोकन बंटन अनियमितता को नहीं विरोध प्रदर्शन देखा मिली किंतु ए नहीं ना सरकार कौन सी प्रतिक्रिया आसूरी ना चाषी जो समस्या रही दूरीभूत हो बहुत बहुत धन्यवाद सागर आप समस्त सूचना पाए। पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग स्थायी बेंच स्थापन पर केन्द्र को अनुरोध करिछंती ओडिशा सरकार किंतु वास्तव कथा हेउछि एपर्यंत ओडिशा सरकार स्थायी बेंच पर केन्द्र को प्रस्ताव देनाहते। बुधवार लोकसभा रे बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव प्रश्नर उत्तर दे एभली स्पष्ट भाषा रे दोहराइछंती केन्द्र आईन और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद हाईकोर्ट को सह परामर्श करी बेंच पाई स्थान चिन्हट करबा सह एक विस्तृत समन्वित प्रस्ताव देबा पाई केन्द्र पक्षर ओडिशा सरकार को अनुरोध करा जायछि किंतु एपर्यंत कोनोसे उत्तर मिले नाही तेणु हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग एबे राज्य सरकार को निकट रे ही अटकी रहिछ बोली मंत्री श्री प्रसाद निज उत्तर रे उल्लेख करिछन्ते। तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर सीधासलख जोशना प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन एने अधिक अपडेट कौन आसुछे रोशन आपण सुनिपारछन्ती जे भली भाबरे पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन लागि ओडिशा सरकार को अनुरोध होतला लोकसभा रे बलांगीर सांसद प्रश्नर उत्तर रखिले केन्द्र आईन मंत्री एवं कहिछंती जे एजाई केन्द्र को देना प्रस्ताव असुविधा क्यों रहा रोशन मु सुनि पारछु आपनको सुना जाउछि जे भली भाबरे पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन लागि ओडिशा सरकार को जो अनुरोध दिया जायतिला तार उत्तर रखिछंती केन्द्र आईन मंत्री कहिछंती जे एजाई केन्द्र को देना कौन से प्रकार प्रस्ताव तेरे पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग स्थायी बेंच स्थापन पर केन्द्र को अनुरोध करिछंती ओडिशा सरकार किंतु वास्तव कथा हेउछि एपर्यंत ओडिशा सरकार स्थायी बेंच पर केन्द्र को प्रस्ताव देनांती बोली जहाँ केन्द्र पक्ष जहाँ सूचना आसी सबुठ बड़ कथा जो प्रस्ताव दि जाता ता वर्तमान पर्यंत राज्य सरकार पाखे रही बोली जहाँ सूचना आसी मेट्रो रेल नेटवर्क विकास पर राज्य सरकार एपर्यंत कौन से प्रस्ताव मिलना बोली राज्य सभा रे गृह निर्माण एवं नगर अंचल व्यापार स्वाधीन राष्ट्रपति हरदीप सिंह पुरी कहते ओडिशा रे मेट्रो रेल नेटवर्क कौन से योजना अच्छे कि बोली राज्य सभा रे सांसद अश्विनी वैष्णव प्रश्न रखिथिले तबे तांको प्रश्नर उत्तर दे मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते यह राज्य सरकार दायित्व राज्य सरकार प्रस्ताव रखिले केन्द्र सरकार सहरांचल रे मेट्रो रेल योजना पर आर्थिक सहायता जगाई थांते किंतु ओडिशा सरकार पक्षर एजाए मेट्रो रेल विकास पर कौन से प्रस्ताव आसी ना बोली हरदीप सिंह पुरी कहते नजर पकड़ा परवर्त खबर पर भुवनेश्वर मुंडविहीन महिला मृतदेह मिलवा घटना पुलिस को मिलला मुंडविहीन महिला परिचय मृतक राजधानी आखपाख जिलार होता सूचना मिले प्रेसमिट कर एने सविशेष तथ्य देव कमिश्नर पुलिस फेब्रुआरी 4 तारीख राजधानी उपखंड चंदका दासपुर अंचल कटा मुंड महिला मृतदेह मिलता तेज महिला जनक परिचय कौन एवं किए तावस भाव हत्या कला एवं हत्याकांड पछर कारण कौन ताहा छानबीन करुछ पुलिस एपरिकी महिला परिचय देले 50,000 टंका मिलबो बोली चारिआडे पोस्टर लगाइथिले कमिश्नरेट पुलिस एबे मृतकक परिचय मिलबा परे पुलिस रो तदंत आगे छे तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित जोडना प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन जे भली भाबरे राजधानी जे विभस्त हत्याकांड घटथला
ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା ସେ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବିକ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହାତରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ସୂଚନା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1200 ପୋଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଡ଼ିପିର ଯେତିକି ଥାନା ରହିଛି ସବୁ ଥାନାରେ ଲଗାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ପଠାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପରିଚୟ ମିଳେ ତେବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ଏତେ ବିଭତ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ବିଭତ୍ସତାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ସିଏ ରାଜଧାନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାସ୍ତବିକରେ କିଏ, ସେ କେବେଠୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ଉପରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରଦା ହଟିବ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, NCRBକୁ ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିହେବ ସେଥିରୁ ପୋଲିସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଗ ହରାଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ, କେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ରୋଶନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସଫଳତା, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଆଜି ତା'ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବ କି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରୋଶନ, ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତାହା ହେଉଛି କି ସେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର, ଯଦି ପୋଲିସ କହୁଛି ସେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେହି ବି କି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା କି FIR ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଯଦି କହିବା କି ଯେହେତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କେହି FIR ଦେଇଥିଲେ କି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେଉଁଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଡ଼ିପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଥାନା ଅଛି ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ କିଛି ମହିଳା ନିଖୋଜ ହେବାର ଖବର ଆସିଛି କି ତାର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେବାର ଖବର କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ମହିଳା କି ଯାହାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଖଆଖ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି କେହି ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କି, ବିଶେଷ କରି ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର ହୋଇଛି କି, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ବାସ୍ତବିକରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ନା ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁ କେହି ବି ଯଦି ପରିଚୟ ଜାଣିବେ ତେବେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନମ୍ବରକୁ କେହି ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଏତିକି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି କୌଣସି ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁଣିଆ ଥାନା ଗୋଡ଼ାକାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକ ଯୁବକ ସାମନ୍ତରାପୁର ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଇକରାଏ, 2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ସେଲୁନ୍କୁ ଯାଉଛି କହି ଯୁବକ ଫେରାର ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁକୁ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଅର ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ସେହି ସମୟରେ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
आसवा परवर्ती खबर को मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना कालियाशोल निकट में मर्मतुत दुर्घटना भारसाम्य हर गचरे पिटी है बालीबोझ ट्राक्टर घटनास्थल में दुईज मृत्यु होता बेले अन्य दुईज गुरुतर होते विलंबित राति ट्राक्टर टी पोड़ाडेहार नुदडिया अभिमुखे आसुवा बेले कालियाशोल छक निकट गचरे पिटी हो जाता मृतक एवं गुरुतर मान स्थानीय मांकड़िया कलोनीर होता जमापड़े मृतक दुईज हेले कांकड़िया मिटू मांकड़िया बोली जमापड़ी आहत को चिकित्सा पाई मेडिकल रे भर्ती करा जाय छे खबर पाई कप्तिपदा पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ कर छे। गंजाम जिला खलिकोट थाना भेजीपोट फांडी निकट रे दुर्घटना ट्रक धक्का देवारो रास्ता रे ओलटे पड़ला ऑटो एथिरे दुई जण गुरुतर आहत होती अटोटी बालुगा अभिमुखे जाता बेले पछर आसुवा मिनी ट्रक धक्का देता गुरुतर दुईज भेजीपुट गाँवर अमित साहू और रिंकुराज महाराणा बोली जमापड़ी स्थानीय लोकों सहयोग में उभय खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर खबर पाई पुलिस पहुंची ट्रकटी जबत कर तदंत चल कोरापुट जिला कोटियारे आंध्र प्रदेश सरकार निर्वाचन घटना को नहीं ओडिशा सरकार को सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होते 2006 कोटिया सीमा विवाद प्रसंगे सुप्रीम कोर्ट देता पूर्णांग राय को आंध्र प्रदेश सरकार पालन करशा अदालत अवमानना मामला रुजू कर राज्य सरकार को वकिल शिवशंकर मिश्रों सह नूआदिल्ली में ओडिशा सरकार को अधिकारी माने कोटिया सीमा विवाद प्रसंगे आलोचना करबा परे सुप्रीम कोर्ट रे ओडिशा पक्षर आंध्र प्रदेश सरकार को विरोध रे अदालत अवमानना रुजू होछे या सहित एही पिटीशन रे त्वरित सुनानी पाई मध्य ओडिशा अनुरोध करछि 1968 मसिया कोटिया सीमा प्रसंग उपरे स्थितावस्था बजाय रखिबा निमन्ते सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैथिले। बेआईन करतकल उपर वन विभाग चढ़ाऊ पुरी जिला डेलांग थाना हाकोपड़ा स्थित प्रताप स्वाई बेआईन करतकल उपर चढ़ाऊ कर वन विभाग खोर्धा वन विभाग डेलांग वन विभाग कर्मचारी एवं डेलांग पुलिस मिलित भाव चढ़ाऊ कर बहु जंत्राश एवं मूल्यवान काठ सबुज जबत कर समग्र सामग्री मूल्य सठिक भाव आकलन करपराह सविशेष तथ्य देवे डेलांग रेंजर विचारपति एक्सपायर्ड सामग्री बिक्री ओडरे स्नाक्स और मिठा दोकानी मंगलवार फुलवाणी कोर्टर जड़े विचारपति दही आणवाकूर जड़े कर्मचारी सहर महांती स्नाक्स आंड स्वीट्स दुकान को पठाई थे कर्मचारी जनक दही आने खाई विचारपति देह असुस्थ हो पड़ा यापर दहीटी एक्सपायरी हो जा पड़ा एने विचारपति जनक अतिरिक्त जिलापाल अवगत करते फुड इन्स्पेक्टर नवकिशोर साहू निज टीम सह बुधवार महांती स्नाक्स दुकान को जाई जांच आरंभ करते सेठे बहु खाद्य सामग्री एक्सपायर होता देखा पाई खबर सामग्री सांपल को लैबोरेटरी को पठाज आईन अनुसार कार्यानुषान निजी फुड इन्स्पेक्टर बर्तमान आमर गोटे कम्प्लेन आसला गत काली एसडीजेएम मैडम तरफ गोटे कम्प्लेन आसला जड़े कोर्ट स्टाफ के जन नहीं आमर महांती स्नाक्स एंड कुल गोटे प्रडक्ट जाता दहीर से गोटे एक्सपायरी जिनसटा रही जाइला से एक्सपायरी प्रडक्ट नेलापर तर कि देह स्वास्थ्य टे खराब था आमको कम्प्लेन आसला एडीएम को एडीएम आमर कंधमाल अच्छा से आमको इनफर्मेसन देते जाकिट भिजिट करने तेणु आम आसिक बर्तमान से प्रिमिसेसटा भिजिट कर सहित डिटेल्स आम जो फुड अच्छी एव्री कैटेगरी फुड आम बर्तमान से चेकिंग कर एडिके सबुदिन हेब जगा दर्शन रविवार बंद रही श्रीमंदिर भक्तों फीडबैक आधार में यह निष्पत्ति श्रीमंदिर प्रशासन ने दर्शन पर सप्ताह तीन रात श्रीमंदिर हो सानिटाइज तेज भक्तों दर्शन व्यवस्था कौन पर श्रीमंदिर दर्शन पर अगर तीन द्वार दे भक्त बाहरी पारे आनंद बजार महाप्रसाद खाई भक्त यासह भक्त श्रीजी को पद्मवेश दर्शन पाई दर्शन व्यवस्था पूर्व भली छटार आरंभ हो भक्तों गहली को देख पूर्वरु दर्शन व्यवस्था करा जाई पारिबो बोले निष्पत्ति होछे सेपटे संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर रविवार दिन खोला रहिबो
श्रीमंदिरटा पाई जहाँ आम रविवार को बंद रखापी आगु व्यवस्था होता से रविवार को बंद रहा प्रतिदिन श्रीमंदिर भक्त मैंने महाप्रभुर दर्शन लाभ करें आप मैंने जानते कि यही थे पद्म भेष को धरिक भी गोटे बड़ भेष आम जाऊँगी जहाँ पद्म भेष हम सो से बहुत भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन लाभ करने को चाहूँगे ये रविवार को तो से समस्ते ये दर्शन महाप्रभु को दर्शन को लाभ करें तापर भी प्रति रविवार को खुला रही दिन बंद हम ना जहाँ सानिटाइजेसन रम कथा थिला जहाँपाई आम एटा रविवार को आगु बंद करने निष्पत्ति निया सेटा एबे आमे सप्ताह रे तीन दिन राति रे दर्शन बंद हेला परे आमे सेटा को व्यवस्था करिकरी ताको आमे व्यवस्था करिबु। नजर पकाबा परवर्ती खबर पर राजधानी रे विभत्स हत्याकांड दुर्बृत्तक मरणतक आक्रमण रे स्वामी रो मृत्यु होइतिबा बेले स्त्री गुरुतर होइछंती। मंचेश्वर झरोला साहि रे घटिछि एभळी अभावनीय घटना। मृतक छोटेलाल बेसरा बुरी जहाँ जना पड़े छोटेलाल पत्नी घटना रे गुरुतर होता बेले झील मध्य आहत होती। गुरुतर पत्नी को प्रथमे कैपिटल हॉस्पिटल पर अवस्था गुरुतर होबारु कटक बड़ मेडिकल स्थानांतर कर पारिवारिक कलह को केन्द्र कर हत्याकांड होता जना पड़े। गत काल राति एगारटा समय घटना घटे सूचना मिली जड़े अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त करता बेले मारणास्त्र जबत हो घटन तीन रु चार संपृक्त सन्देह कर घटनास्थल को साइंटिफिक टीम जाई तदंत करिबो बोले जणा पडछ। तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर जोडसाम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, राजधानी सबुठरे बड़ प्रश्न उठुछे, राजधानी साधारण लोकों पाई केते सुरक्षित काहेकि ना राजधानी गोटे परे गोटे हत्याकांड घटुछे एवं विभत्स भाव हत्या करा जाउछि। तबे प्रथमे कोनते घटना किभळी घटथला एवं जे गुरुतर अछन तांग अवस्था किभळी रहिछे? देखंतु बिस्मी, ये घटनाटी जो आप कहते जो विभत्स हत्याकांडटी काली राति एगारटा समय घटी घटना क्रम यह रही रही जहाँ हत्या सी जनकर आउ जनक डॉक्यूमेंट आधार रे अन्य जनक ठूल से लोन आनीते किंतु लोन किस्ती रे जो खिलाप करते तेणु यही दृष्टि को नहीं उभयों मध्य बचसा होता और उभयों मध्य बचसा माने एत भयंकर होता जे यहाँ एक हत्याकांड पछाइलानी। ये हत्याकांड में जे मृत्युवरण कर मार्बल कंपनी रे काम करंती बोली आम पाखरे जा सूचना मिली ता सहित तांको पत्नी मध्य ए घटना रे गुरुतर रहिचंती एवं तांको जेतेबेले ए आक्रमण होइतिला ए घटना रे तीन रु चार जण दुर्बृत्त शामिल होइथाय परंती बोली मध्य जा हमकु सूचना मिली एवं ता सहित पुलिस मध्य जण को गिरफ करिछि। ता सहित ए घटना रे जहा कि व्यवहृत होइतिला जो मारणास्त्र जा व्यवहृत होइतिला ताकु मंचेश्वर पुलिस मध्य जबत करिछि एवं वर्तमान बदि आपण देखिथिबे आमे जेतेबेले जाइथिलु ग्राउंड जीरो को एवं किकिसम पूर्वपुर आपण देखुथिले आमे त लाइव सेटी मध्य करूँ से जो स्थान रे रक्त छिटा एबे भी पड़ी रही है। आपण मैंने हत्या एत भयंकर भाव में हत्याकांड कर घर बाहर एबे भी रक्तर छिटा पड़ी रही सहित पुलिस सहित जो आलोचना करूँ पुलिस कर्तृपक्ष जो फोरेंसिक टीम आसवे और फोरेंसिक टीम आसिक जांच करापर सबकि जना पड़ निहाती भाव यहीटा गोटे विभत्स हत्याकांड गोटे जो सामान्य बचसा और लोन जो मानने सामान्य बचसा है उभयों मध्य जो कथ कटाकटी होता है और तापर यह हत्याकांड जो रूप नहीं भावे गोटे कह गए गोटे भयंकर बड़ विभत्स भाव में हत्या कर अंपक्षे झील सामान्य आहत होती। प्रथम पत्नी को कैपिटल हॉस्पिटल को अणा जाता सीएम गुरुतर होवर वर्तमान जहाँ कि कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित कर सूचना मिली से स्थान को जितेबाला जाइलु से स्थान आप देखी थे गोटे बस्ती एरिया आखपाखर समस्त घर रही तेज यही भाव में किमी कौन तक आसिक हत्याकांड कर मैंने पलैले अं मैंने जापारे जो पड़ोसी मान को पचारिथिलु सेमाने मध्य ए घटना रे नीरव रहिथिले एवं किछि कहिबाकु जाइनथिले किंतु तांकर जणे नाबालक झियो जे थिले से कहिथिले जे हम बापा मां को उपरे एमति आसी आक्रमण करथिले ए आखपाखर किछि जण लोकंग मिसिके मध्य आक्रमण करथिले बोली कहिथिले किंतु सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा ए घटना रे 3 रु 4 जण मध्य संपृक्त थाई परंती बोली जोटा कि अनुमान करा जाउछि किंतु वर्तमान सुधा जण को जणे गिरफ हेइछन्ति एवं अन्य माने गिरफ हेला परे ए घटना रे अन्य किछि कथा मध्य जणा पड़िबो। बिस्मी नेता सुशांत, पुलिस तदंत जारी रही आप नजर रखि था परवर्त समय आपको से नहीं सविशेष तथ्य देते। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आप समस्त सूचना। सब सर बुलेटिन रखा अध्यक्ष आप भिजिट कर पार्बे वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।